परेशानी है जो अकरो इलाज अल्लाह पाक प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में पा मदे जो परेशानियों मुसीबतों दूर करें आसानी ने खुशहाली नसीब करें ने बाज़ोकात माड़ू पोते ही परेशानी वधाए गिने तो कि ने अगर ये विचारे करो ना मुझे तो परेशानी खत्म ही नहीं थी त्रियों परेशानी आओ तो बस मान दो पियो तो जैसे नारो बीमारी घर करीबी ने बिना नहीं रहती बस आओ तो बस मसाइल मसाइल तो यही मतलब सोचिया करने से परेशानी जिन्हें दबाव वधनो जिया अंदर ने अंदर यही सोचे नरम और गुलिया करे आने के आने कोई सोचे ये गुस्सा बहुत है तो नरम जो गुस्सा खराब है आप गुस्से हो रहे हैं ये गुस्सा अच्छी इन जो जहन मने लो ने ये गुस्सा अच्छे तो यही मतलब मारो सोचे ना मैं केतरो गुस्सा नहीं तो जो बेके पहले ना जो दिल में ने के ना बीमारी हेड़ो थोड़ा बीमारी आओ मैं क्या करो भाई बिल फर्ज अगर कोई के टीबी है अल्लाह ना करे है ना तो वो सोचे कि मिके टीबी टीबी है फलाना तो कैंसर है अच्छा कैंसर है तो फर्स्ट स्टेज है शादी राज थी उन्हें फलानो तो आखिरी स्टेज है डॉक्टर ना चुकी है ये मतलब पोते जो मत्थे नार दिया था बांगे पानी परेशानी हल्की देखा है तो बीमारी भी हल्की देखा है तो ही मतलब एहतियात करनी है कि खोटी खोटी फिक्रों पारनी नहीं बच्ची पैदा थे थी तो इनके यहाँ जी फिक्र इंग्लिश हल्की होने थी अरे मुझे पे आए जीरा रहना कहना कि बच्ची जा खुशी उनार ना खबर नहीं की तो रख मोला तो आस मोड़ व्याधियों ना करिया करे खोटी खोटी व्याधियों पालन से मसाल थी हजरत मौला अली शेर खुदा रजी अल्लाह उन्होंने फरमाइन था कि आओ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाइन सुनम मन कसोरा हम हो सकीमा बदन हो यानी जिन जी फिक्रों वधारे थी वन थी उनजो बदन बीमार भाई भी नहीं तो अल्लाह पाक रहमत जी नजर कह रहा पाके अल्लाह पाक बीमार इश्के नबी बनाए दिए दिल को सुकून चमन में है ना लाला सार में सोजो गुदास तो है फकत कुए यार में सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।